हम बात कर रहे हैं श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको बड़ा जम देखने के लिए मिला। 4% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई। हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 25 के लेवल से स्टॉक में लगातार बाइंग देखने के लिए मिली थी। 40 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया, उसके बाद 40 के लेवल से रिजेक्शन फेस करके गिरावट आई। तो पहले जहां रिजेक्शन फेस किया था 31 का लेवल, उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर अगेन रिकवरी दिखाता नज़र आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे में भी अच्छी खासी बाइंग हमको देखने के लिए मिली, 4% का अपसाइड देखने के लिए मिला था। अब देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से हमको लगातार तेज़ी दिखाता नज़र आ रहा है। तो ओसवाल सीड जो है यहाँ से और अप ट्रेंड हमको दिखाता नज़र आ सकता है। अब अगर गिरावट आती है, रिजेक्शन फेस करता है स्टॉक, तो देख सकते हैं इससे पहले कहाँ सपोर्ट लिया था, 35-36 का लेवल। ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 34 का लेवल रहेगा और मेजर सपोर्ट रहेगा ये जो इसका लो है 30 का लेवल। जब तक इसके ऊपर है स्टॉक में अपसाइड के चांस बने हुए। इस लेवल का ब्रेकडाउन मतलब फिर अगेन बड़ी गिरावट। तो अब हमको नज़र रखना है जो इमीडिएट अपने लिए टारगेट बनेगा, जहां से स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग डे में रिजेक्शन लिया था 38 का लेवल। ब्रेकआउट कर गया तो मेजर रेजिस्टेंस है 40 का लेवल। 40 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है, इससे पहले भी स्टॉक ने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया था, लेकिन 40 की लेवल पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी क्योंकि इस हाई का ब्रेकआउट मतलब और बड़ी फिर तेज़ी। अगर ओसवाल सीड्स 40 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो इसके बाद लगातार अप ट्रेंड, फिर नेक्स्ट टारगेट 44 और 50 तक का भी जंप फिर ओसवाल सीड दिखा सकता है, फिर 50 से लेके 54 के भी टारगेट दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।